बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप जानकर कि आखिर ये प्रोसेस होती कैसे है। यहाँ पे जो मैंने एंड्रॉइड बॉक्स को कनेक्ट किया है, इसका सेटअप बहुत ज़्यादा इजी है। आपको सिर्फ HDMI केबल के थ्रू इस बॉक्स को आपके LED के अंदर कनेक्ट करना है। मेरे पास यहाँ पे डायनोरा की 24 इंच की LED है, जिसके अंदर मैंने इस एंड्रॉइड बॉक्स को यहाँ पे कनेक्ट किया है। इसकी कनेक्टिविटी इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा आसान है। जब आप इसको कनेक्ट करके फर्स्ट बार ऑन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का होम पेज देखने के लिए मिलेगा पर्टिकुलर इस एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर। ये बेसिकली एक UI है जो कि MXQ Pro एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। अब स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझना है कि आपको किन ऑप्शन में जाके कास्ट स्क्रीन के ऑप्शन को अनेबल करना है, जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को इस LED के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, सेम स्टेप आपको भी यहाँ पे फॉलो करनी है। सबसे पहले जो माई ऐप का आइकॉन है उसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का सेक्शन देखने के मिलेगा जो कि सेकंड नंबर पे है। इसका आइकॉन कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पे सिंपली प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर अदर एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, DLNA हो गया, क्रोम हो गया, मीडिया सेंटर हो गया, प्ले स्टोर हो गया। इस टाइप के आपको अदर एप्लीकेशन इसके अंदर देखने के मिलेगी। सिंपली आपको यहाँ पे आना है वाईफाई डिस्प्ले के अंदर। ये ऑप्शन आपको इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे ही आप वाईफाई डिस्प्ले को यहाँ पे ऑन करेंगे तो कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड या इस टाइप का कुछ यूज़र इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे वाईफाई डिस्प्ले का एक आइकॉन यहाँ पे हमको शो हो रहा है। इसका जो मॉडल नंबर है यहाँ पे हमको दिखता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एंड्रॉइड CF41 है। अब कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड एक बार अगर आपको अपनी एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर दिख जाता है तो उसके बाद आपको मोबाइल के अंदर क्या स्टेप फॉलो करनी है उस बारे में आप समझिए। मेरे पास यहाँ पे एक एंड्रॉइड मोबाइल है जो कि एंड्रॉइड वर्जन 5.0 के साथ आता है। अब मैं मेरे मोबाइल के अंदर क्या करूँगा इस बात को आप समझिएगा। सिंपली मेरे को यहाँ पे दो ऑप्शन को अनेबल करना है। पहला तो है वाईफाई, मुझे यहाँ पे वाईफाई को सिर्फ ऑन करना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो है कास्ट स्क्रीन, इसको मेरे को यहाँ पे ऑन कर देना है। अगर आपको ये ऑप्शन पर्टिकुलर आपके मोबाइल के अंदर नहीं मिल रहा तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत है जिसका नाम है मेरा कास्ट। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे मोबाइल में इजीली मुझे कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है, इसलिए मैं कास्ट स्क्रीन के ऑप्शन के थ्रू इसको यूज़ करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मॉडल नंबर है मेरे इस एंड्रॉइड बॉक्स का वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मोड सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे मुझे क्लिक करना है इस पर्टिकुलर नेम पर। तो आप देख सकते हैं ये प्रोसेस यहाँ पे होना शुरू हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मोबाइल यहाँ पे मेरे LED के अंदर कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली मैं मेरे मोबाइल के अंदर जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे करूँगा एट इज मुझे मेरी LED के अंदर देखने के लिए मिलेगी। मान के चलिए रूबिक ट्रेड जो एप्लीकेशन है, बाय द वे ये स्पॉन्सरशिप नहीं है, आप जो भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर यूज़ करेंगे आपको सेम टू सेम अपनी बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस थी ये थी एक कास्ट स्क्रीन का। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस एंड्रॉइड बॉक्स को यहाँ पे प्रॉपरली यूज़ किया जाता है, किस तरीके से इसके अंदर यूट्यूब, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसी एप्लीकेशन को सेपरेट यूज़ किया जाता है बिना किसी मोबाइल के सहारे। तो आई होप यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से मोबाइल की स्क्रीन को यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है एंड्रॉइड बॉक्स के साथ और किस तरीके से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को देख सकते हैं बड़ी LED स्क्रीन के अंदर। इस वीडियो में मैंने आपको पर्टिकुलर यह बताया है कि किस तरीके से आप वाईफाई डिस्प्ले के सहारे या फिर कास्ट स्क्रीन के थ्रू अपने मोबाइल को कास्ट कर सकते हैं बड़ी स्क्रीन में। मैंने आने वाली सेकंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में। इस एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर हमको किस टाइप की फंक्शनबिलिटी, किस टाइप की परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है, ये कितना ज़्यादा स्मूथ है, किस टाइप के एप्लीकेशन का सपोर्ट इसके अंदर हमको देखने के लिए मिलता है, कितनी इंटरनल मेमोरी, कितनी GB की रैम इसके अंदर दी गई है, इसका प्रोसेसर कितना ज़्यादा ओवरऑल स्मूथ है, ये सारी बातें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक एंड्रॉइड बॉक्स को नहीं खरीदा तो ये जो सीरीज़ है एंड्रॉइड बॉक्स के ऊपर पर्टिकुलर वो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आपके यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी यहाँ पर डाउट है इस प्रोसेस से लेकर या फिर इस एंड्रॉइड बॉक्स से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं 24 घंटे के अंदर अंदर आपके जो भी डाउट है या फिर आपकी जो भी क्वेरी है उनको सोल्व करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई यहाँ पे मिल जाएगा मेरी तरफ से। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यहाँ पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे एंड्रॉइड बॉक्स खरीदने की सोच रहे हैं या फिर किस तरीके से एंड्रॉइड बॉक्स को इस्तेमाल किया जाता है इस बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हैं, मिलता है आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।